शानन प्रोजेक्ट की लीज जो है मार्च 2024 में पूरी होने वाली है और स्टेट्स की रीजनल कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा कि जब लीज पूरी हो रही है तो उस प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए और उस मामले में हमने गृह मंत्री के सामने भी बात रखी, पंजाब के मुख्यमंत्री जी के भी सामने बात रखी, सब मुख्यमंत्री और जो ऑफिसर्स थे उनके सामने हमने बात रखी। तो उसके बाद जो आगे फैसला भारत सरकार करेगी उसमें उसको अमल में लाएंगे। BBMB में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा कोई परमानेंट मेंबर नहीं है, तो होता है तो मैंने कहा कि रोटेशंस पर हमारा एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए, जैसे कि पंजाब का होता है, हरियाणा का होता है, और हमारा भी एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए। तो मेरी बात को सरकार ने गौर से सुना, मेरे मंत्री जी ने गौर से सुना और उसमें भी मुझे लगता है कि समस्या का समाधान होने की जरूरत है। तीसरी बात मेरी जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से भी हुई है और ले के गवर्नर साहब से भी हुई है। पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं जो हमारी बाउंड्री चुराह के साथ लगती है उसमें अंदर तक आ जाते हैं और वहाँ कब्जा कर लेते हैं, तो हमने कहा कि एक तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी मैपिंग होके ये लग जाए और दूसरा जो सरचू के पास अंदर को आते हैं लेह से जो उनकी बाउंड्री लगती है उसके बारे में मेरी बात हुई। तो मुझे दोनों लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर ने ये कहा है कि हम इस मामले में अपने होम एडवाइज़र को भी बोल दिया है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की वारदात है जो पिछले कई सालों से होनी है उसको रोकने की बात की। एक और मैंने बात की कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट मीट पर भारतीय जनता पार्टी के समय SJVN के साथ समझौते हुए हैं जिसमें जिंदगी भर के लिए पावर प्रोजेक्ट, चाहे वो सुन्नी है, लूरी है या धोला सिद्ध नदौन का प्रोजेक्ट है, वो जिंदगी भर के लिए उनको दे दिए। उसमें जो 12% फ्री रॉयल्टी की बात हमने कही है कि वो 12% फ्री रॉयल्टी जब हम और प्रोजेक्टों में ले रहे तो ये भी हमको मिलनी चाहिए और 40 साल वो प्रोजेक्ट हिमाचल को वापस आना चाहिए। मकसद ये है कि 40 साल बाद की जो युवा पीढ़ी है उसको वो आत्मनिर्भर हो और सामर्थ्य हो। अब हमारे को जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किए उसमें लाडा भी नहीं दिया और जो GST हमको मिलना था वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो GST मिलने में जो हमारा पानी और हमको ना मिले तो उस मामले को भी मैंने उस फोरम पर उठाया है। और चौथी बात मैंने कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है उसको आप करिए। स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं करना तो जो हमने अभी भारत सरकार के जो डिजास्टर्स के नॉर्म्स होते हैं, केंद्र सरकार के डिजास्टर के नॉर्म होते हैं उसके हिसाब से हमने 10,000 करोड़ रुपए के उनके नॉर्म्स के हिसाब से जो हमने डैमेज है उसको भेजा तो उसके हिसाब से हमारा तकरीबन 1500 और 2000 करोड़ मिलता है, वो तो दे दीजिए। तो उस मामले में भी मैंने वो बात की है और मुझे लगता है कि मेरी बात को उन्होंने हमने फर्मली बात की, बड़े गौर से सुना है और इस मामले में जल्दी ही हमें कुछ ना कुछ राहत मिलने की संभावना। 7.19% का हमारा जो जनसंख्या के आधार पर शेयर BBMB में मिलता है, एक तो उसका एरियर हमारे को दीजिए जो 4,000 करोड़ रुपया है और हमारा ये तो शेयर है, उसके अलावा हमारे को 12% फ्री रॉयल्टी भी BBMB से मिलनी चाहिए।